भालूगाड़ में करीब 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग गर्मी में बाइक चला के मुक्तेश्वर पहुँचे। हालांकि मुक्तेश्वर पहुँचते रास्ते में तो काफ़ी मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन फिर भी हम थकान तो हमें हो ही रखी थी क्योंकि हम रात भर के जगे हुए थे, बाइक चला रहे थे और ट्रैकिंग भी कर चुके थे। तो थकान की वजह से ये जो मंदिर तक जाने की सीढ़ियाँ थी, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा लग रही थी, और किसी तरीके से हम अपने बस पैर उठा के आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और क्योंकि हम यहाँ तक आए थे तो हमें मंदिर के दर्शन तो करने ही थे। मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। इनफैक्ट भगवान शिव के 18 सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में से एक माना जाता है। माइथोलॉजिकल लेजेंड जो यहाँ पर है, जो इस मंदिर को इसका नाम देता है, वो ये है कि भगवान शिव ने यहाँ पे एक राक्षस का वध किया था और उसको राक्षस योनि से मुक्ति दिलवाई थी, इसीलिए इस जगह को मुक्तेश्वर कहते हैं। पांडवों ने 12 साल के अपने वनवास में यहाँ पे ये मंदिर बनवाया क्योंकि वो भी भगवान शिव के भक्त थे। यहाँ पे हर मोड़ पे बहुत ही सुंदर व्यूज़ हैं, बहुत ही बढ़िया व्यूज़ हैं। यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर बिल्कुल सही टाइम रहेगा, जब बारिश एंड हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी दिखती है। क्या आप सुन सकते हो? बहुत ही बढ़िया। ये जंगलों के बीच से रास्ता जाता है, बेसिकली उस तरफ है जो मुक्तेश्वर मंदिर है, और उसके पीछे से ही हम घूम के जा रहे हैं, और पीछे से घूम के हम निकल रहे हैं, और हम जा रहे हैं चौली की जाली। तो चौली की जाली बेसिकली एक रॉक स्ट्रक्चर है जहाँ पे जैगेड रॉक्स हैं, एंड एक प्रोट्रूडेड सा स्ट्रक्चर है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, खाई की तरफ। तो इट लुक्स ऑसम, व्यूज़ वहाँ से बहुत अच्छी है, और जैसा हम जब मुक्तेश्वर मंदिर में आपने अभी देखा होगा 360 में कि जो मंदिर था उसके वहाँ से जो व्यू था उस चौली की जाली का, बहुत ही अमेजिंग आ रहा था, एंड हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी। अभी तो फ़िलहाल हम लोग जंगल के अंदर से निकल रहे हैं, जो पहाड़ी जंगल होता है बेसिकली उसके अंदर से निकल रहे हैं, जो एक पाथवे बना हुआ है चौली की जाली की तरफ जाने के लिए। So we are taking that. So बहुत ही अच्छा फील आ रहा है इस वक्त। तो अगर आप देखेंगे तो पेड़ों के बीच से धूप निकल निकल के, बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस पे पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ों के बीच से निकल निकल के धूप आ रही है। It's quite bright and यहाँ पे हो रहा है पार्टी। So, ये है चौली की जाली, और अगर आप ये होल देख सकते हैं मेरे पीछे, तो जो स्टोरी है, जो माइथोलॉजी है इसके पीछे, वो ये है कि विमेन हु आर अनेबल टू कंसीव, अनेबल टू हैव अ चाइल्ड, उनको यहाँ से इस होल से एक तरफ से दूसरी तरफ आना होता है ऑन महाशिवरात्रि, एंड देन दे आर ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। सो दिस इज़ दी माइथोलॉजी, ये इस वजह से चौली की जाली का नाम पड़ा है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से कुछ स्ट्रक्चर्स भी थोड़े से अच्छे और व्यूज़ अच्छी है, और बिल्कुल एज है टॉप का, तो इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। सो होप यू लाइक इट, कीप वॉचिंग, देयर इज मोर टू कम। तो हम लोग निकल चुके हैं मुक्तेश्वर से, एक्चुअली मुक्तेश्वर से निकले नहीं है, लेकिन मुक्तेश्वर धाम जहां हम गए थे वहां से हम निकल चुके हैं, और मुक्तेश्वर से निकल के हम लोग अब जा रहे हैं होटल में।
तो हुआ यूँ कि आपको पता है कि हम लोग रात के चले हुए थे और सोए नहीं थे, तो हमारा मन नहीं था कि ज़्यादा हम होटल के लिए धक्के खाएं या ढूंढे, नेगोशिएट करें, वो सब करें। फॉर्चुनेटली फॉर अस देर वॉज अ गाय हु गेव अस ए पैम्फलेट एंड ही टोल्ड अस कि देर इज़ अ नाइस कैंप साइट नया बना है और उसमें आप आ सकते हैं। गेव अस ए गुड डील ऑल्सो। सो वी डिसाइडेड कि यार ज़्यादा घूमने से अच्छा हमें तो जाके सोना ही है, क्योंकि थक गए हैं, थोड़ा बहुत इन्जॉय करेंगे और फिर उसके बाद हम सो जाएंगे। तो लेकिन उसने ये भी हमें बताया कि इस उसके रिज़ॉर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरेस्टिंग हैं। जैसे कि मैं एक स्पॉइलर देता हूँ आपको, उसने बताया कि उसके कैंप में नेचुरल स्प्रिंग है। तो हमने कहा यार चलो ठीक है, वो भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली। हमने सोचा था कि हम एक या दो जगह ही जा पाएंगे, लेकिन हमने चोली की जाली और मुक्तेश्वर धाम और उसके साथ साथ हमने वाटरफॉल भी कवर कर लिया। तो अब बस हम थोड़ा सा फन, एन्जॉयमेंट, मज़ा मस्ती के लिए हम होटल में जाना चाहते हैं। सो अभी एंड नहीं हुआ है, ये एंड नहीं है। यहाँ से निकल के बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है। अभी तो ट्रिप का आज टेक्निकली तो पहला दिन है, तो आप बने रहिए, देखते रहिए। एंड अगर आपको अभी तक जो देखा है वो ठीक ठाक भी लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट भी छोड़ सकते हैं, एक कमेंट तो ज़रूर छोड़िए। दिस इज़ प्रशांत, सो कीप वॉचिंग, देयर इज़ लॉट मोर टू कम। दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आज का दिन काफ़ी टायरिंग रहा, क्योंकि हमारा दिन आज सुबह नहीं शुरू हुआ था, कल रात को शुरू हुआ था। और कल रात को करीब 10-11 बजे हम लोग मिले थे और तब से हम राइड कर रहे थे। और हमने उसके बाद मुक्तेश्वर पहुँचे, भालूगाड़ वाटरफॉल्स तक गए, फिर उसके बाद हमने मुक्तेश्वर टेंपल देखा और उसके बाद हम वहीं पे क्या नाम है यार उसका, चौली की जाली। तो चौली की जाली तक गए, वहाँ पे काफ़ी चलना पड़ रहा था हमको। और फाइनली फिर उसके बाद हम रिज़ॉर्ट में आके ठहर गए। अब जो रिज़ॉर्ट में हम लोग आए तो शुरू में तो काफ़ी हमारी बहसबाजी हो गई बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स जो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में रिवील करूँगा। बट मोटा मोटा ये था कि हम लोग थोड़े से अपसेट थे, बट देन उसके बाद माहौल ठीक होता गया और हम इन्जॉय करना शुरू कर दिए और जो थकान थी वो धीरे धीरे करके हमें हमारी मिटने लगी, बिकॉज़ हमने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था और कुछ खेले भी। कुछ शॉट्स आपने देखी होंगी उसके भी, हमने टीटी खेला, खाना वाना अच्छे से खा लिया, सब कुछ हो गया। तो अब टाइम है वीडियो को एंड करने का और आज के लिए सिर्फ इतना ही।
मेरे साथ इस राइड पे है जो एक बंदा है जो बहुत इरिटेटिंग है, जो हमेशा मेरे साथ रहता है, आपको मालूम है। उसका नाम है मनोज सिंह, उसका चैनल है एमेजॉन हाईवे, उसको भी सब्सक्राइब करना कर लीजिए अगर आपको इरिटेट होना है तो। और उसके बाद एक नया बंदा है नोमैडिक हर्ष, आगे वाली राइड्स पे पता चलेगा कि वो कितना इरिटेटिंग है। तो अगर आपको इरिटेट होना पसंद है तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और अगर इरिटेट होना नहीं पसंद है तो शायद वो कुछ अच्छा दिखाए वो, तो उनको तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट डे। अभी हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम इतने टायर्ड थे कि हम ये सोचना ही भूल गए, ये डिस्कस करना ही भूल गए कि हम कल कहाँ जाएंगे। तो अभी हम सोने जा रहे हैं, उसके अलावा और हम कहीं नहीं जा रहे, और सुबह उठेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ जाते हैं। जो जो हमने इस राइड पे करने के लिए सोचा था वो मोर लेस हमने सब कर लिया। तो अगर आपको अच्छा लगा है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट भी ज़रूर छोड़िएगा। सो कीप वॉचिंग, सी यू सून, जय हिंद।